जिला कलेक्ट्रेट में अव्यवस्थित पार्किंग के चलते यातायात विभाग ने कलेक्ट्रेट परिसर से दो पहिया और चार पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर जब्त कर लिया। यातायात पुलिस के एएसआई असलम ने बताया कि संभागीय आयुक्त कार्यालय की गाड़ी के आगे पीछे दो पहिया वाहन खड़े कर दिए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया, जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यातायात विभाग ने करीब दो दर्जन से ज्यादा चार पहिया और दो पहिया वाहन जब्त कर लिए। संभागीय आयुक्त कार्यालय की गाड़ी पड़ी थी, उनके सामने भी गाड़ियाँ लगा दी, अव्यवस्थित तरीके से जो गाड़ियाँ लगाई उन सब गाड़ियों को हटाने के लिए उच्च अधिकारी को आदेश से हटवाई है। कितनी गाड़ियाँ अभी 25-30 गाड़ी हटवाई है और वापस आ रही है ट्रक, जो वापस आके और भरेगी। हैं फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, सही तरीके से आवे तो व्यवस्थित रूप से गाड़ी खड़ी करे, कोई दिक्कत नहीं। आगे कार्रवाई हमेशा रहेगी, डेली कार्रवाई करेंगे, जिससे क्या है पब्लिक आएगी तो व्यवस्थित रूप से खड़ी करेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।